24 आवर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी के बरेली में नगर निगम का 160 करोड़ का टैक्स सरकार के विभिन्न विभागों पर बकाया है, जिसके कारण बरेली का विकास नहीं हो पा रहा है। जानकारी देते हुए बरेली महापौर उमेश गौतम ने बताया कि नगर निगम का सरकारी आवास और कार्यालयों पर 160 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। इन सब सरकारी कार्यालयों और आवासों से जल्द ही उसकी रिकवरी की जाएगी और अगर समय रहते बकाया रुपए नहीं मिल पाता है तो उनके खाते सीज किए जाएंगे और विधिवत कार्रवाई की जाएगी। वहीं महापौर ने बताया कि अब शहर की कोई भी गली कच्ची नहीं रहेगी, हर गली को पक्का किया जाएगा और हर गली में नाली बनवाकर जहाँ पर सीवर लाइन नहीं है वहाँ सीवर लाइन बिछवाकर उससे जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास के दौरान यह नहीं देखा जाएगा कि वहाँ से आमदनी कितनी हो रही है और कितनी नहीं। बरेली से दीपक कुमार की रिपोर्ट। कि करीब 160 करोड़ जो गवर्नमेंट के तमाम विभाग हैं उनके ऊपर बकाया है और 160 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है, उनके खिलाफ सारी कार्रवाई की जा रही है और इस महीने के अंत तक अगर वो पैसा नहीं रिलीज़ होता है तो उनके सबके खाते सीज किए जाएंगे और उस पैसे की वसूली की जाएगी और उससे बरेली की बहुत बड़ा एक विकास बरेली का होगा।